गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 17। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव ऑप्टेड द न्यूक्लियर पावर एज एन अल्टरनेट एंड कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बहुत सारी जो विकसित विकासशील देश हैं, उन्होंने अपने बिजली उत्पादन के लिए कन्वेंशनल मेथड के अनुसार न्यूक्लियर पावर को चुना हुआ है। Among these countries are India, Pakistan, North Korea, Iran, Brazil, Egypt, South Korea, Taiwan and Argentina. और इन देशों में भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ब्राज़ील, इजिप्ट, साउथ कोरिया, ताइवान और अर्जेंटीना है। इन इंडिया द मेन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन आर एट तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा, नरोरा और कारापोरा एंड कोटा। जो भारत में जो मेन न्यूक्लियर पावर जनरेशन सिस्टम है वो तारापुर में है, कलपक्कम में है, रावतभाटा, नरोरा और करकारापारा और कोटा में है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, यू नो दैट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर आल्सो एग्जॉस्टेबल। आप ये जानते हैं कि जो नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो अर्थ में जो है एक लिमिटेड क्वालिटी में है और वो एग्जॉस्टेबल है। मतलब एग्जॉस्टेबल का मतलब है एक बार अगर वो उसका इस्तेमाल हो गया तो उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स वी मे बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज सोर्सेज इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि इसको आप दोबारा फ्यूचर में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। Therefore, non-conventional source of energy are being promoted. इसीलिए non-conventional source of energy को हम लोग प्रमोट करते हैं। The energy is abundant, renewable, pollution free and eco-friendly. Non-conventional जो energy resources होते हैं ये एक तो abundant होते हैं, renewable होते हैं, इनको दोबारा generate किया जा सकता है, pollution free होता है और eco-friendly होता है। It can be मोर ईजली सप्लाइड टू रूरल, अर्बन एंड रिमोट एरियाज। और ये आसानी से मतलब कहीं पर भी जैसे रूरल, अर्बन एरिया और रिमोट एरिया में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। दस इट इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ फ्यूचर। और इसीलिए इसको फ्यूचर की एनर्जी कहते हैं। जैसे फ्यूचर की एनर्जी में आ गया जैसे सोलर एनर्जी। द सन इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूरज जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इन द ट्रॉपिकल रीजन सोलर एनर्जी इज़ वाइडली अवेलेबल। और ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा विकसित है। बट इट हैज़ नॉट बीन फुली डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है क्योंकि तकनीकी की कमी है वहाँ पर। फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो कि सनलाइट को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइटनिंग, कुकिंग पंपिंग एंड सोलर पॉन्ड्स आर बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोलर हीटर, वाटर हीटर, सोलर लाइटिंग, कुकिंग पंप और सोलर पॉन्ड्स आर बीइंग बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सभी दुनिया में सभी जगह पे प्रसिद्ध है। इंडिया इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू यूज सोलर एनर्जी। और भारत भी सोलर एनर्जी को मतलब अपनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हाइडल पावर। हाइडल पावर इज ए क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली पावर रिसोर्स। हाइडल पावर जो है वो साफ सुथरा और इन्वायरमेंटली पावर रिसोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पानी के बहाव से बिजली को बनाते हैं। द वाटर कैन फॉल नेचुरली और कैन बी मेड टू फॉल बाई बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस रिवर चैनल। जो पानी है वो आपका नेचुरली बहता रहता है और ये डैम और रिवर के चैनल में बनाया जाता है। द फॉलिंग वाटर इज चैनलाइज टू इंटर द टर्बाइन एंड मूविंग ब्लेड्स टर्न टू जनरेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉलिंग वाटर क्या करता है कि टर्बाइन में लगी हुई ब्लेड्स को घुमाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
यूएसए, रसिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड चाइना हैव डेवलप्ड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अमेरिका, रसिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड चाइना हैव डेवलप्ड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और अमेरिका, अमेरिका, रसिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और चाइना, इन्होंने हाइडल पावर प्रोजेक्ट अपने यहाँ डेवलप किए। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी। और भारत में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ देम भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नागार्जुन सागर, कोसी कोजना, रिहंद और नर्मदा वैली। और उन इलेक्ट्रिक सिटी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो प्रोजेक्ट है उनमें है भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नागार्जुन सागर, कोसी कोजना, रिहंद और नर्मदा वैली। विंड एनर्जी, विंड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। द कॉस्ट इनपुट आर ओनली एट इनिशियल स्टेज। विंड एनर्जी ये भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक स्रोत है, बट इट्स कॉस्ट इनपुट्स आर एट द इनिशियल स्टेज। वंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर स्टार्ट्स, कॉस्ट फ्री पावर इज रेगुलरली अवेलेबल। और इसमें क्या होता है कि कॉस्ट एक ही बार लगाई जाती है और एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो ये रेगुलरली अपना मतलब कॉस्ट फ्री कर देता पावर को। द नीदरलैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हार्नेस विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। नाउ अ डेज द विंड फार्म्स हैविंग द क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स हैव बीन सेट अप इन द कोस्टल एरिया एंड इन द माउंटेन फेस वर स्ट्रांग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। अब आज के दिन में क्या है कि जो वहाँ की खेती है विंड मिल्स मतलब एनर्जी के उस सोर्सेस के लिए वो विंड मिल पर ही आधारित है। कोस्टल एरिया में भाई हवा तेज़ चलती है, माउंटेन पासेस जहाँ पर होते हैं जहाँ हवा तेज बहती है वहाँ पर ये विंड मिल इस्टेब्लिश की जाती है। विंड मिल फॉर्म्स बनाए जाते हैं वहाँ पर। विंड मिल फॉर्म्स हैव आल्सो डेवलप्ड इन डेनमार्क, जर्मनी, यूएसए, यूके, स्पेन और चाइना एंड इंडिया। विंड मिल फॉर्म मतलब बनाए जाते हैं जहाँ एनर्जी को जनरेट किया जाता है वो एक जगह पर मतलब एक किसी जगह पर खूब सारी विंड मिल्स लगा दी जाती है उनको हम विंड मिल्स फॉर्म बोलते हैं। तो ये डेवलप्ड हैं डेनमार्क में, जर्मनी में, यूएसए में, यूके में, चाइना में और अब इंडिया में भी डेवलप्ड हो रही हैं।